नमस्कार। आखदे न संगीत आत्मा की खुराक होंदी है, इस गल्ला साडा डुगर प्रदेश गीत संगीत कन्ने माला माल है। सदियें थमां गै लोक कवि ते लोक गायकें इस विधा गी समृद्ध रखने च अपना योगदान दिता। उंदे योगदान करिए गै साडा गीतें दा खजाना मूंह मूंह परोचे दा है। पहाड़ी संगीत उआं भी सारे संसार भर च मशहूर है, ख्याति प्राप्त कर चुके दा है, ते साडा डोगरी संगीत उआं भी बड़ा मिठा हुंदा है। डोगरी भाषा दे गीतें दी मिठास दिले ते आत्मा गी छुई लैंदी है। उआं भी जिसले पहाड़ी गीतें गी राग दा रंग चढ़दा है तां मजा दुगना होई जांदा है। लोक कवि जिंदा असें गी पता थो भी नहीं है, अज उंदे गंढे दे गीत संसार भर च अमर होई गेदे न, और ते और उंदियां तरजां भी अमर होई गेदियां। साडे अजकल दे भी जेहड़े आधुनिक लखारी गीतकार न, उन्हें भी डोगरी भाषा दे गीतें दे संसार च अपना काफी मता योगदान दिता है। उंदे योगदान करिए गै अज साडी कला, अज साडी संस्कृति अमर होआ करती है। साडा एक कार्यक्रम त्रिवेणी इसी चलाने दा, सृजन करने दा मकसद भी इयै है जे अस उंदे कन्नै तुंदी मलाटी करवाई सकचै, जेहड़े अजकल दे जेहड़े गीतकार न जिंदा साडे इस क्षेत्र च बड़ा योगदान है, उंदे कन्नै तुंदी मलाटी करवाई जा। ए बड़ी गै खुशी, बड़ी गै भागें आली गल है जे अज दे इस त्रिवेणी कार्यक्रम दी पहली कड़ी दी शुरुआत अस रामनाथ शास्त्री हुंदे कोला करन जा करने आ। ते रामनाथ शास्त्री हुंदे बारे च ते अस इयै आखगे कि रामनाथ शास्त्री हुंदे सरप्रस्ती च अद्धी सदी कोला भी मते चिरे सोमां डोगरी लखारियें दा जत्था चलदा आवा करदा है। अज जिस थारे डोगरी भाषा आई खड़ोती है ओहदे च शास्त्री हुंदा बड़ा मता योगदान है। ए साडे आस्ते बड़ी भागें आली गल है जे शास्त्री होर इस डोगरी भाषा कन्नै आई जुड़े दे न। ते आओ इंदा इक गीत दिखने कोला पहले अस संगीतकार अरविंद कुमार उंदे कोला इंदे बारे च किश सुनचै। तेरी मेरी ए दस अगे निभनकियां, तेरी मेरी ए दस अगे निभनकियां। ए जेड़े लफ्ज ने ए भी पद्म श्री रामनाथ शास्त्री हुंदे ने। किन्ना अच्छा लिखे दा है, तेरी मेरी ए दस अगे निभनकियां निभनकियां। ए एक कुड़ी जेड़ी है अपने प्रेमी आखा दी है। अगे शास्त्री ने लिखे दा कि तू है झिका ते शलैपे दा शकीन मित्रा, इन्हें धारे दा मेरे पर यकीन मित्रा, कि तू ते रूपे दा लोभी है, तू ते कपोरा है, लेकिन धारा न जेकी सारे डोगरे जम्मू दे अगे पिछे फैली दियां ने, निक्की निक्की पहाड़ियां जिन्हें डोगरी च धारा आखने, वह धारा आखदी है कि कुड़ी आखदी कि इन्दा मेरे पर पूरा यकीन है, लेकिन तू रूपे दा लोभी है, तू चिक्का शलैपे दा शकीन है, ते तेरी मेरी सोचें दी बत्त रलनी कियां रलनी कियां। ये जेड़ा गीत है क्योंकि कुड़ी दी तरफा है, इस कारण इहदे वास्ते जेड़ी मैं आवाज चुनी है गाने वास्ते नीतू अतर हुंदी आवाज है, बड़ा गै सोहना गांदियां ने, ते आओ सुनचै उन्हें इस गीत कियां गाया। तेरी मेरी है दस अगे निभनकियां, तेरी मेरी है दस अगे निभनकियां 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 निभनकियां। रलनी किया
बस रल निकिया रल निकिया तेरी मेरी है दस भगे निभ निकिया निभ निकिया तेरी मेरी है दस भगे निभ निकिया निभ निकिया निभ निकिया तेरी मेरी है दस भगे निभ निकिया निभ निकिया निभ निकिया निभ निकिया निभ निकिया साथियों इसलिए अस बैठे दे पद्म श्री रामनाथ शास्त्री हुंदे कोल उंदे बारे च उंदे कोला गै किश जानन। ते शास्त्री जी तुंदा स्वागत है सारे इस कार्यक्रम त्रिवेणी च। ते सबने शा पहले अस उंदे कोला ई जानना चाहगे कि जेड़ी कि रचना हुंदी है ओदा भाव अर्थ के है। बड़ा ए बुनियादी सवाल है कि कुसै लेखक कोला ए पुछना कि रचना दा तुस कुसी चीज की रचना आखदे हो। रचना जिसले ओ बनी जंदी है ते बाहर आई जंदी है जबानी हो या लिखी दी हो या छपी दी हो ये तो दो प्रोसेस न। पहला प्रोसेस ये हुंदा जी पे मनुख दे अंदर ईश्वर ने जड़ी ये रचना कीती दी है मनुख दी ये कमाल दी रचना है जी असी समझ नहीं आउंदी और बड़े विज्ञानियों की भी इसकी पूरी समझ नहीं आई सकी ये किया होता किया करता है मनुख किया सोचता है और वो सोच जड़ी है उसी किया पर फिर कर दिए है भी ओदे अंदर एक छोलना जिया होता कोई रिड़कता है उस भाव की फिर लेखक जड़ा है उसी वो बीत हो जाता है जेदे पर उसने कोई चीज लिखनी है फिर वो एकांत च बही है फिर उसी एक बारी सोचता है सोचिए तो फिर लिखन लगता है जी। मैं अपने तौर पर आखी सकना भी मैं ये जरूरी नहीं है भी एक बारी जड़ी चीज मैं लिखी दिया उसी मैं फाइनल समझना जी। उसी साफ करना पौंदा कविता लिखनी हो तो फिर छंद का ख्याल रखना पौंदा काफी हरदीप का ख्याल रखना पौंदा वो गल्लां मिलदियां या नहीं मिलदियां सामने जिसले लिखी दी इस चीज थोड़े सामने आ जाती है तो फिर तुस भी उसी आख दियो जी ये शास्त्री जी की रचना है जी ये जी जमवाल हुंदी रचना है जी ये प्रद्युमन की रचना है। रचना के बारे च एक संतान जी या बच्चे की आदमी के घर पैदा होंदी है तो उसी वो प्यार करता है रचना कन्ने भी प्यार हुंदा आदमी का भी ये मेरी रचना है मेरा गीत है दुए की पसंद आवै नहीं आवै लेकिन लेखक की तो ओदे बारे च जरा थोड़ी जी अपनी ममता हुंदी है। पद्म श्री रामनाथ शास्त्री और साढ़े जम्मू की धरती के एक अजीम फनकार ने अजीम शायर ने बड़ा अच्छा लिखे उन्हें तो अज इन्हें एक डोगरी गीत जे तू साथे चले गुनगुनांदा चले मेरी धड़कन की सरगम जगांदा चले किन्ने अच्छे लफ्ज ने किन्ने अच्छे लिखे ने मेरी धड़कन की सरगम जगांदा चले एक शायरी विच संगीत दे शब्द का इस्तेमाल करना
ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਲਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਬੜਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਥ ਚਲੇ ਗੁਨਗੁਨਾਂਦਾ ਚਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਥ ਚਲੇ ਗੁਨਗੁਨਾਂਦਾ ਚਲੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਨ ਦੀ ਸਰਗਮ ਜਗਾਂਦਾ ਚਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਥ ਚਲੇ ਇਹ ਸਫਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਬਣੇ ਇਹ ਸਫਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਬਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜੇ ਇਬਾਦਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਲੇ ਰਾਤ ਇਜਰੇ ਦਿਲਮੀ ਕਟੋਈ ਜਾ ਮਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਦੇ ਦੀਏ ਜਗਾਂਦਾ ਚਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਥ ਚਲੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਬਣੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਰਤ ਬਣੀ ਆਗ ਅਗਰ ਇਸ਼ਕ ਗੀਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਮੰਨੀਏ ਚੱਲਗਾ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਥੇ ਚਲੇ ਗੁਨਗੁਨਾਂਦਾ ਚਲੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਸਰਗਮ ਜਗਾਉਂਦਾ ਚਲੇ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਬਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜੇ ਇਬਾਦਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਲੇ ਰਾਤ ਜਿਰੇ ਦਿਲਮੀ ਕਟੋਈ ਜਾ ਮਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਦੇ ਦੀਏ ਜਗਾਂਦਾ ਚਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਥ ਚਲੇ ਗੁਨਗੁਨਾਂਦਾ ਚਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਥ ਚਲੇ ਗੁਨਗੁਨਾਂਦਾ ਚਲੇ ਮੇਰੀ ਧੜਕਨ ਦੀ ਸਰਗਮ ਜਗਾਂਦਾ ਚਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਥ ਮੇਰੀ ਧੜਕਨ ਦੀ ਸਰਗਮ ਜਗਾਂਦਾ ਚਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਥ ਚਲੇ
जे तू साथ चले गुनगुनांदा चले वो मेरी धड़कन दी सरगम बजांदा चले। शास्त्री जी जेड़ा गीत असि हुण दिखिया ते ए तुस दसो कि ए जेड़ा गीत तुसी लिखिया हा ए कुसे खास मौके पर लिखोआ या फिर इयां गै तुसी लिखी ओड़िया बई? देखो बेटे ए बड़ियां पुरानियां चीजां ने, ए गीत कुछ वेले लिखोआ होग, उन्हें दिन मैं कॉलेज च पढ़ांदा भी है या रिटायर भी किया ते संस्था च कम करा करदा हां। वो घड़ी जड़ी है जड़ी उस वेले मेरे मन च कोई ख्याल आया होग, उस ख्याल दी इतिहास मैं नहीं तो ही दसी सकदा। लेकिन ए है भी इस चाली दे गीत मैं बड़े घट लिखे श्रृंगार रस दे, मेरे कोल मैं तहरीक करने बजे तां ओहदियां जरूरतें गी पहले दिखदा हां भी असीं गी के लोड़ है, नाटक चाहिदे न ते नाटक लिखो, प्रोज चाहिदा ते प्रोज लिखो। ये गीत जड़े न ये कुसले निकेबले मना च जिसले मेरे पर कोई देनदारी नहीं होंदी उस वेले कोई भाव आ जांदा ते ओह भाव निकली है ते कुसे गीत दी शक्ल च बनी जांदा। मैं बड़े गीत नहीं लिखे लेकिन जिन्ने लिखे थोड़े लिखे, मैं कहानियां भी मी साहित्य अकैडमी दा अवार्ड कहानियां पर मिलिया जी। लेकिन कहानियां तो मैं कोई 8-10 कहानियां के कुल लिखियां जी। इक्कै साल च ओह मी ऐसा जनून चढ़िया भी ओह कहानी लिखनी फिर विश्वनाथ होरें ही सुनानी, फिर दूई संस्था दे जाइए उत्थे सुनानी ते भाई ओ अगर पता नहीं उन्होंने वाह वाही करते हे दिखावा करते हे मेरे आसे भी उन्हें दे मुंहां दे सामने ते जे किश है ये उसे चाली दी गल करनी चाहिदी है। तुस आखा दे ना कि अवार्ड जेड़े नो में थोया है एकड़ा लेकिन घट कहानियां लिखी दियां लेकिन ये भी चीज होंदी है ना कि जेड़ी चीज अच्छी होवे बेशक थोड़ी होवे लेकिन अच्छी होवे उस वजह से फिर हुण समझने वाले दी गल है जी। शास्त्री जी जेड़े तुस गीत लिखदे हो एक गीत रचना दी जेड़ी प्रक्रिया है ये कदों कोला शुरू होई? देखो जी मैच्योरिटी जिसले मेरे मैं रिटायर हुई है 70 च ते इत्थों मैं रिटायर होआ 89-90 च गै समझो 20 साल मैं ओहदे बाद भी संस्था च कम कीता और कम मैं उस चाली करदा रहा। एक जिम्मेदारी लई है मैं सैकटरी हा संस्था दा 45 साल तक मैं उस जिम्मेदारी की निभांदा रहा। लोग आउंदे रहे छोड़िए जंदे रहे फिर दुए आउंदे रहे फिर दुए जंदे रहे, अपनी सुविधा दे मुताबिक ओह रहंदे हे, सुविधा उने गी नहीं होई तां छोड़िए चली गए। मैं नहीं है छोड़ी सकता, मैं उत्थे दरियां भी बिछांदा हाँ, कई बारी सोत भी दिंदा हाँ, दफ्तर का काम भी चलांदा हाँ। एक तहरीक ही एक मंदिर है साड़ा जी। तो उस भावना कन्ने असें डोगरी संस्था का यह काम किया और बड़ी खुशी की गल है कि असें डोगरी की उस मिट्टी चा कढ़ी है ते तुस अज देखो अज उहदे कोल सैकड़े किताबां न, एम ए दियां क्लासां चला करदियां, लड़के पढ़ा करते हैं, एम फिल करा करते हैं, डी लिट करा करते हैं। ये डोगरी दा फलदा फुलदा बाग दिखी है भी बड़ी प्रसन्नता है इस गल्ला दी कि असें इस बाग वास्ते गोडियां दित्तियां हियां, असें इत्थे फुल राए है, इत्थे फिर हैल पाए है, इत्थे असें इन्हें बूटें गी बुढ़े मुठोंदे दिखे दा है। ये बड़ी खुशी दी गल हुंदी है, सब कुछ भगवान दे गए जिंदगी च इस चाली दी कोई घटना होई हो। बिल्कुल शास्त्री जी वाकई तुसें डोगरी आस्ते इन्ना योगदान दिता है ते तुंदा डोगरी कन्नै आई जुड़ना साढ़े डोगरें आस्ते बड़े भाग्य आली गल है, तुसें डोगरी गी इन्ना अग्गे बधाया ते अस तुंदे कोला भी जानना चाहगे कि तुसें इन्ने गीत लिखे डोगरी च, क्या तुस कुसै गीतकार कोला प्रभावित भी होए? साथियों त्रिवेणी कार्यक्रम च अज असीं तुंदी मुलाकात पद्मश्री रामनाथ शास्त्री हुंदे कन्नै करवाई, उंदे कन्नै गल्ला बातां करने दे अलावा असीं तुसेंगी उंदे लिखे दे गीत भी सुनाए ते कन्नै गै उंदी शख्सियत दे बारे च भी दस्सिया। एह सिलसिला अगली कड़ियें च भी चलदा रौह्ग, अगली कड़ियें च अस नमें नमें होर भी लेखकें कन्नै गीतकारें कन्नै तुंदी मुलाकात करवांदे रौह्गे। अगली कड़ी तक्कर नमस्कार।